दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात 10:08 पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट के इंजन में आग लग गई। विमान के उड़ान भरते ही यात्रियों को विमान के इंजन से चिंगारी निकलते दिखाई दी, जिसके बाद आनन फानन में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह हादसा दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2131 में हुआ। इसी के साथ इंडिगो ने जारी बयान में इस पूरी घटना को तकनीकी खराबी बताया है। बता दें, इस विमान में कुल 177 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। हालांकि अभी के लिए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। विमान दोबारा कब उड़ान भर सकेगा, इसे लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। वैसे इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में जब विमान टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर दौड़ता है, तभी अचानक से एक चिंगारी उठ जाती है और फिर आग की लपटें उठने लगती हैं। इसे देखते ही पायलट तुरंत विमान को रनवे पर ही रोक देता है और सभी लोगों का रेस्क्यू किया जाता है।